पंडित रूपचंद के बारे में आपने बात की थी, लाल किताब जिन्होंने लिखी है, जरा हम उनके उनको जानने की हमारी क्यूरियोसिटी हो रही है कि पंडित रूपचंद के बारे में आप कुछ देखिए, बताएं। पंडित रूपचंद जी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये उनका जो जन्म स्थान है वो फरवाला, जलंधर। जलंधर के पास ही एक गाँव है फरवाला, जी। और यहाँ जलंधर से बहुत थोड़ा 20-22 किलोमीटर दूर है। जी वहाँ पर एक पंडित जी की बैठक है, वहाँ बैठकर पंडित जी लिखते थे, और जी जी मैंने गांव वालों के साथ में वहाँ पर बहुत लोगों से इंटरव्यू ली खुद जाके, अपने चैनल के लिए लोग कैमरा लेके, जो पंडित जी को भगवान मानते थे वहाँ पर, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वहाँ तक कि पंडित जी ने इंदिरा गांधी के और इंदिरा गांधी से के जो बेटे हैं संजय गांधी, उनके जी बारे में भी पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी जी कि बहुत ऐसा बड़ी ऐसा। बात हाँ है। हाँ जी, और वहाँ पर जो गांव वाले बताते हैं कि वहाँ पर सेंट्रल से और पुलिस से और बड़े बड़े लोग आदरणीय, मेरे जो पूज्य गुरुजी हैं जिनसे मैंने सीखा, जी बलदेव जी वर्मा जी, वो जी लुधियाना है, वो पंडित जी के परम शिष्य थे। जी तो उन्होंने मुझे कई चीज़ें पंडित जी के बारे में बताई कि पंडित जी कैसे दिखते थे, टर्बन बांधते थे, और बहुत कम लोगों ने उनको शायद कभी सोते हुए देखा, ऐसा नहीं वो सोते नहीं थे, लेकिन वो कम सोते थे, मनन बहुत करते थे, लिखते बहुत थे, उर्दू में उन्होंने बहुत किताब लिखी। उसके बाद की 1952 के बाद, 1982 के आसपास भी उन्होंने एक किताब लिखी थी, परंतु वो आज भी रहस्यमयी है। आपने जी पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि इसको श्रापित किताब क्यों जी कहते जी हैं, जी उसका उत्तर मैं आपको ऐसा देना चाहूँगा कि ऐसा उनके परिवार से पता लगा कि पंडित जी जब भी कोई किताब प्रिंट करने लगते थे तो उनके जब भी कोई बेटा बच्चा पैदा होने वाला होता था या हो चुका था तो मर जाता था, जी तो पंडित जी को ऐसा लगता था कि जब भी मैं ये किताब कोई दिखाता हूँ तो निकालता हूँ तो उसकी उसके लिए कहीं ना कहीं मेरे एक बच्चे की कुर्बानी चले जाती है। जी तो उन्होंने जब किताब ये 1952 भी बनाई ना, तो जी उन्होंने अपने बेटे को मार्केट में, मतलब अपने रिश्तेदारों में बेच दिया था, जो वो आज भी है, जी मैं मिला हूँ उनसे, जी तो उन्होंने उस वक्त उसको बेच दिया ताकि उसकी मृत्यु ना हो। मृत्यु ना हो। तो आगे चलकर जब ये 1982 में जो किताब आई, तो मैंने ही उनके परिवार से पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास पंडित जी की तरह इतना बड़ा दिल नहीं है कि हम किसी परिवार के आदमी की कुर्बानी दे सकें। तो इसलिए वो लास्ट में जो 1982 में पंडित जी ने किताब लिखी वो आई नहीं मार्केट में। जी, वो आज भी और रहस्य उनके है। कई मित्र हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने छपने भेज दी थी, अगर उनकी मृत्यु ना होती तो वो छप चुकी होती। तो ये था, ये भेद है। मैं उनके परिवार को कभी इस अगर ज़्यादा पूछ के उनको दुखी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उनके पर्सनल मैटर है, जी। लेकिन पंडित जी ने 1952 भी जो मार्केट दुनिया को दी, और वो किताब जो 1952 छपी वो भूटान के राजा ने छपवाई थी, आप जी ऐसा देखें, वो एक ही बार छपी, दूसरी बार नहीं छप पाई। जी और हम लोगों ने भी कभी उसको, जब उसको हमारी बड़ी क्यूरियोसिटी थी, पहले तो मेरे पास ओरिजिनल बुक नहीं थी, जी तो मेरे पास उसके बाद ओरिजिनल आई, तो हमने क्या किया, हमने उसको प्रिंट करवाने की कोशिश की, तो जी फोटो स्टेट मशीन ख़राब हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा, तो हमारे साथ भी बड़े ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, तो हमें लगा कि नहीं, अभी इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए शायद लेकिन श्रापित लेकिन माने जाते। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये श्रापित है। जी क्या होता है जी, कोई भी चीज़ की जितनी बड़ी विद्या होती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी होती जी है। जी जी तो धीरे धीरे जब तक आप इसको एक जिम्मेवारी की तरह नहीं लेते हो, इस विद्या को धारण करते वक्त, तो ये फिर कोई भी चीज़ जिसकी जिम्मेवारी, आज ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर आप उसको, अगर आप कैपेबल ही नहीं हो तो क्या आपको उसका रख रखाव कर पाओगे, जी वो तो जी आपको भी उड़ा देगी और खुद भी उड़ जाएगी। तो जी इसलिए इसी तरह से ये भी एक हथियार है जो जी मानवता के रक्षा के लिए है, और जी ये हमें मार्गदर्शन देती है, उपाय बताती है, उपाय, हम जी कभी भी फंसते हैं तो ओरिजिनल रेड बुक से निकाल कर, हम मैंने भी जी उर्दू सीखी, थोड़ा लफ्ज़ों को सीखा, उसके बाद जाके इसका, हमने इसका बाद में इसका हिंदी रूपांतर भी मिल गया। जी